तो आज हम जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर के सेकंड क्लास सेकंड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि कुछ बेंजीन की कॉमन नेम्स हैं वो आप याद रखें, ठीक है। स्ट्रक्चर्स डिफरेंट बेंजीन के हैं, जैसे बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, टॉलिन, क्यूमीन, एसिटोफिनोन, बेंजोइक एसिड, और इस तरह के काफ़ी सारे जो है मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हैं बेंजीन के डेरिवेटिव्स, बेंजीन बेस्ड कंपाउंड्स। तो इन तमाम जो है वो नामों को आप इस तरह से याद रख लें, इनके पीछे रूल्स नहीं होते कॉमन नेम में, ठीक है। तो एज इट इज़ आपको इसको रिमेंबर करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा हर तरह के नेम्स को। फिर आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट के पास्ट पेपर में लास्ट 10 ईयर्स के अंदर जो भी नोमेनक्लेचर आए उसके सॉल्यूशन को आज हम करने वाले हैं और UPSC में, और उन्हीं रूल्स के मुताबिक करेंगे जो कल हमने लेक्चर नंबर 1 में सीखा है, ठीक है। ठीक है, फिर पास्ट पेपर के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर 2019 के जो क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व करते हैं पहले, और आप भी चेक करें कि आपने कितने कंसर्ट सही बनाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1, ड्रॉ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब जो बाहर हमारे पर रह गया, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, OH इज अ फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, नंबरिंग का आस्क करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा तो 1, 2, 3 एंड 1, 2, तो नंबरिंग होनी चाहिए राइट साइड से, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। देन नाउ अब नेमिंग करते हैं। नेमिंग करने के लिए भाई सबसे पहले नाम किसका आएगा, सब्स्टिट्यूएंट का आएगा, सब्स्टिट्यूएंट तो कोई नहीं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट साइक्लिक भी कंपाउंड नहीं है, तो वर्ड रूट की तरफ आते हैं। टोटल कार्बन आपके पास कितने हैं, 4, तो 4 है, तो ये हो गया आपके पास ब्यूट। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 1-ईन, और सेकंड पोजीशन पर OH है तो फिर 2-ओल। अब दो वाउल्स एक साथ आ गए तो ई को ड्रॉप कर दो, दैट इज ब्यूट 1-ईन 2-ओल, करेक्ट है, ओके, यस फरहान, ओके, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, इसके बाद सेकंड पे आपको दो फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है कि यहाँ पर OH एक फंक्शनल ग्रुप आपको मिल रहा है, और दूसरा ये COOH जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था आपको, एक ही बात है, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको मिल रहा है, सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने ड्रॉ कर ली, देन नंबरिंग करनी है। अब जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब है यहाँ से करीब है, तो यहाँ से कर दी 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। देन नेमिंग करनी है, तो सबसे पहले तो यार देखें कि दो फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो इसको हम इसका हम प्रीफिक्स देंगे और इसका हमें सफिक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थर्ड पर लगा हुआ OH, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3-हाइड्रोक्सी, ठीक है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट हमने इसका नाम लिख दिया। देन वर्ड रूट, टोटल कार्बन 5 है तो क्या हो जाएगा, पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड एन, उसके बाद 1 पर क्या लगा हुआ है, ओइक एसिड, दो वाउल्स एक साथ आ गए, ईगो ड्रॉप कर दो, ठीक है, 3-हाइड्रोक्सी पेंटन 1 ओइक एसिड, करेक्ट है। थर्ड उसके बाद यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ जैसे ब्रैकेट आ गया ना, तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, यू हैव टू ओपन अप द ब्रैकेट, आप इस ब्रैकेट को ओपन कर दें। CH के साथ CH3 दो बार है ना, तो ये CH3 दो बार कहाँ लगा हुआ है, इसके मतलब CH के साथ लगा हुआ है, तो ये CH3 टू टाइम्स को हम मिटाए यहाँ पर और इस तरह से कर दिया, एक CH3 यहाँ पर, तो वही बात है। अब इससे क्या होगा, नंबरिंग नेमिंग करने में आसानी हो जाएगी। तो फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट कार्बन चेन लॉन्गेस्ट बन गया हमारे पास, और उसके बाद नंबरिंग करनी है। अच्छा, यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और इस तरह से नहीं बनेगी, क्योंकि ये कंपाउंड यहाँ पर आपके पास एस्टर आ गया है, एक चेन चल रही है यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उस चेन को टर्मिनेट कर देगा, तो हमारे पास चेन ये वाली चलेगी बस, ठीक है। तो ये एस्टर कहलाता है, दैट इज COOR, COOR जो है वो हमारे पास एस्टर होता है, कार्बोनिल के एक तरफ OR अटैचमेंट है, दैट इज OR, ठीक है, तो इसको हम एस्टर कहते हैं। ये वाला कंपाउंड चूंकि एक एस्टर है, एस्टर की नेमिंग करने का एक सिंपल फंडा होता है, सिंपल रूल होता है कि यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है ना राइट साइड पे, ये होता है आपका अल्काइल, और यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है आपके पास लेफ्ट साइड पे, इसको हम लोग बोलते हैं अल्कानोएट। तो एस्टर में नेमिंग इस तरह से करता है, अल्काइल अल्कानोएट, ये अल्काइल है और ये अल्कानोएट है। अब ये अल्काइल में 3 है, प्रोपाइल है, अब प्रोपाइल में ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ये रहा, और फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन होता है आप जानते हैं उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन के दो तरफ एक रेडिकल के अटैचमेंट हो इस तरह से, एक इधर और एक इधर, एक रेडिकल ऊपर एक इधर है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी। प्रोपाइल तो है लेकिन अल्फा कार्बन के दो तरफ जो रेडिकल है तो ये सेक है, तो इसको हम लोग कहते हैं सेक
प्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल इसको हम कह सकते हैं या सेक प्रोपाइल भी लिख सकते हैं, सेक प्रोपाइल। और ये टोटल कार्बन 2, 3, 4 कार्बन है तो उसको हम लोग कह देंगे ब्यूटानोइड। तो ये है आपका सेकेंडरी प्रोपाइल ब्यूटानोइड। सिर्फ प्रोपाइल क्यों नहीं लिखा हमने, 3 कार्बन थे तो चूंकि इसमें अल्फा कार्बन या कह लो कि ये ऑक्सीजन जो है वो सेकंड कार्बन से अटैच हुआ है, इस तरह से भी कह सकते हैं, तो सूरत में सेक होता है ये सेकेंडरी प्रोपाइल ब्यूटानोइड। अगर सिर्फ CH3 होता तो मिथाइल ब्यूटानोइड कर देते हैं, इस तरह से चलते हैं एस्टर की नेमिंग में, ठीक है। अगर सिर्फ C3H7 लिखा होता, चेन नहीं बनी होती, तो प्रोपाइल ब्यूटानोइड हो जाता, लेकिन यहाँ चूंकि सेकंड कार्बन से अटैचमेंट हो रही है चेन के अंदर तो उसको सेक कह रहे हैं, ठीक है, सेकेंडरी प्रोपाइल ब्यूटानोइड। या इसको हम सेक के अलावा एक और वर्ड कहते हैं आइसो भी कह सकते हैं, आइसो प्रोपाइल ब्यूटानोइड। आइसो और सेक एक ही चीज़ होती है, आइसो और सेक दोनों में से कोई भी एक चीज़ लिख सकते हैं, प्रोपाइल के लिए सेम है। नेक्स्ट उसके बाद बेंजीन बेस्ड कंपाउंड, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, बेंजीन बेस्ड कंपाउंड में हमारे बुक के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है कि जिसका नाम, जिसके नाम में बेंजीन नहीं लिखा हुआ है ना, उसको हम फर्स्ट कार्बन फर्स्ट हम उसको जो है वो नंबरिंग कर देंगे, ठीक है। अब मतलब इस तरह से अगर मैं उसको बताऊँ ना, जैसे कि इसका नाम क्लोरोबेंजीन है, इससे लेकर तो ब्रोमोबेंजीन है, इससे ले तो नाइट्रोबेंजीन है, इससे ले तो फिर क्या है, ये टॉलुइन है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसको हम फिर पेरेंट चेन बना देंगे, इसको हम फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर बना देंगे, यहाँ से नंबरिंग 1 करके फिर हम आगे बढ़ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस तरह से, और टॉलुइन का नाम सबसे एंड में डाल देंगे। उसके बाद बाकी ये हम सब्स्टिट्यूएंट उसको हम देख लेंगे और सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर उसकी नेमिंग कर देंगे। जैसे सी से क्लोरो है, बी से ब्रोमो है, एन से नाइट्रो है, उसका नाम इस तरह से हो गया के पहले ब्रोमो, यस 4 ब्रोमो 2 क्लोरो, उसके बाद 5 नाइट्रो, उसके बाद टॉलीन, ठीक है। जिसका ना जिसको टॉप प्रायोरिटी देंगे उसको सबसे आखिरी में नाम उसका लिख देंगे, ठीक है। 1 टॉलीन मतलब टॉलीन भी लिख दिया तो 1 पे अटैचमेंट हो किया हुआ, 1 अंडरस्टूड होता है, 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 5 नाइट्रो टॉलीन है ये, ठीक है। अच्छा, इसको एक और अंदाज से लिखना चाहेंगे, अगर हम इसको लिखना चाहें ना तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, बल्कि ये ज़्यादा इजी तरीका है। इसको फिलहाल इस तरह से देखो, तो बुक के अकॉर्डिंग यही पैटर्न फॉलो किया जाता है हमारे सेकंड ईयर के बुक के अकॉर्डिंग, वरना हम इसको मिथाइल बेंजीन भी लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ गया, ये भी आपके पास ईथर है, ईथर में यहाँ पर मौजूद ऑक्सीजन है, दोनों तरफ कार्बन है। अब यहाँ फिर कंडेंस हो गया, CH3 3 बार लगा, इसका क्या मतलब है, इसको मिटा देंगे हम और CH3 3 तरफ लगा देंगे, समझ गए, इस तरह CH3 CH3 और CH3। अब ये चूंकि ईथर है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ जब कार्बन मौजूद हो उसको हम लोग कहते हैं भाई ये कंपाउंड ईथर कहलाता है। अब ईथर की नेमिंग करते हुए हम क्या कर लेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें डिसाइड करना है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास ये वाली बन जाएगी, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन गई, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट आ गए, एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा पहला, ये दूसरा और ये तीसरा सब्स्टिट्यूएंट आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करिए, नंबरिंग यहाँ से कर दी 1, 2, 3, पहले इथॉक्सी का नाम आ जाएगा, तो क्या नाम हो जाएगा, 1 इथॉक्सी, उसके बाद 2, 2 डाई मिथाइल और टोटल कार्बन 3 है तो फिर प्रोपेन, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 2018 के फर्स्ट क्वेश्चन में, बहुत ईजी क्वेश्चन आया हुआ है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिसाइड कर दी, नंबरिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं से भी कर सकते हैं, बराबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, डायरेक्ट वर्ड रूट लिखते हैं, टोटल कार्बन 6 तो फिर हेक्स, उसके बाद डबल बॉन्ड कर रहा हूँ, डबल बॉन्ड कहाँ है, फर्स्ट पर है और फिफ्थ पर है, 1, 5 डाइईन, और थर्ड पोजिशन पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 आइन, तो 1, 5 हेक्स डाइन 3 आइन इस तरह भी कह सकते थे, या हेक्स 1, 5 डाइन 3 आइन इस तरह भी कह सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट देख लो, फिर से एस्टर आ गया यहाँ पर, ठीक है। इस एस्टर को मैं यहाँ पे ओपन अप कर देता हूँ, देखो किस तरह से मैं उसको ओपन कर रहा हूँ, CH3, क्योंकि एस्टर क्यों आ गया, क्योंकि COOR आ गया, ये एस्टर है ये, ठीक है, COOR आ गया, तो एस्टर CH3 पे CH2 3 बार मतलब CH2 की लॉन्ग चेन चल गई 3 बार इस तरह से, CH2 हाँ, क्योंकि CH2 है, CH3 को ऊपर नहीं चले थे, अगर CH2 अगर आ रहा है तो लॉन्ग कार्बन चेन में मतलब वो आ रहा है, ठीक है। तो CH2 तीन बार लिख दिया, उसके बाद कार्बन डबल हो मतलब एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फिर कार्बन, फिर दो तरफ क्या है CH3 है,
एक सी एच थ्री यहाँ अटैच कर लिया, एक सी एच थ्री यहाँ अटैच कर लिया। आई थिंक सी एच थ्री को बॉन्ड पूरे हो रहे हैं अभी उसके? नहीं हो रहे ना पूरे, तीन बॉन्ड हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक सी एच होना चाहिए था। अब सही है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये बन गई, तो ये वाला चेन आपको पता है एस्टर के अंदर अल्काइल और ये अल्कानोइड, तो अल्काइल क्या लगा हुआ फिर से क्या बताया था इसको? आइसो प्रोपाइल या सेक प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल। और यहाँ टोटल कार्बन एक दो तीन चार पाँच, तो क्या हो जाएगा अल्कानोइड के लिहाज से? पेंटानोइड, वोइट आता है उसके आखिर में, ठीक है। तो आइसो प्रोपाइल पेंटानोइड, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये आइसो प्रोपाइल ब्यूटानोइड हो रहा था, क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाओ थर्ड पे, यहाँ से फिर से ओपन अप स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। सी एच ओ है तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो सी डबल बॉन्ड हुआ है, जैसे खोल दिया उसको अपने सी एच ओ को, देन सी एच टू तीन बार लॉन्ग कार्बन चेन चल रही है तीन कार्बन की, तो सी एच टू सी एच टू सी एच टू चला दिया, ब्रैकेट खत्म, सी एच नाउ सी एच थ्री एंड सी एच थ्री, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिजाइन करते हैं, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हेयर। नंबरिंग कर देते हैं, नंबरिंग कहाँ से हो जाएगी? लेफ्ट साइड से, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब है, 1 2 3 4 5 6, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बाहर। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा? 5 मिथाइल, टोटल कार्बन 6, तो हेक्स सारे सिंगल बॉन्ड एन और वन पर अल, दो बॉल एक साथ आ गए, इसको ड्रॉप कर दो। 5 मिथाइल हेक्सन वन अल, क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन है, अच्छा मैं उसको ब्रेक नहीं कर रहा, सी डब्लू एच समझ गया ना, सी डबल बॉन्ड ओ है चाहिए, ठीक है, तो मैं उसको ब्रेक नहीं कर रहा, आप समझ सकते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डायरेक्ट यहाँ से बना देता हूँ, ओके। नंबरिंग कर देते हैं प्रायोरिटी पे, यहाँ पर फंक्शन ग्रुप करीब है, 1 2 3 4, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट आ गया, क्या नाम हो गया? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, दो वाल एक साथ आया, ये हटा दो, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, क्लियर। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखो सी एच थ्री सी ओ सी सी एल थ्री, ये सी ओ जो कार्बोनिल ग्रुप है, असल में इसको किस तरह लगाया गया? सी एच थ्री कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये, देन कार्बन और तीन तरफ क्लोरीन है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिसाइड करनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना ली, फंक्शनल ग्रुप 1 2 1 2 बराबर है, यहाँ से कर लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट भी करीब है यहाँ से, तो 1 2 3, तो इसकी नेमिंग क्या हो गई? पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम 1, 1, 1 ट्राई टर्शरी, उस मिथाइल पे होता है ये तीनों क्लोरो है, 1 1 1 ट्राई क्लोरो, ठीक है। उसके बाद टोटल कार्बन 3 प्रोब, सारे सिंगल बॉन्ड एन और 2 पर, अब चूंकि कीटोन लगा है, कीटोन का क्या होता है भाई, सफिक्स ओन होता है और ई काट देंगे, दिस इज 1 1 1 ट्राई क्लोरो प्रोपेन 2 ओन, क्लियर है सारे क्वेश्चंस। तो यहाँ पर मैं आपको जो कन्फ्यूजन आपको है कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में उसको बताता हूँ। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है? वो कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप मौजूद हो उसको कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। कार्बोनिल ग्रुप मतलब सी डबल बॉन्ड ग्रुप जब मौजूद हो, या सी ओ लगा हुआ किसी बॉन्ड के साथ इस तरह से, ठीक है, तो बॉन्ड सी ओ इसको हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, या सी डबल बॉन्ड हो इस तरह से भी लगा हुआ हो सकता है, ठीक है, लाइक दैट, ओके। तो बहुत सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं, मैं उसकी लिस्ट आपको बता देता हूँ, उसके नेमिंग भी बता देता हूँ कि आर सी डबल बॉन्ड ये कार्बोनिल का ग्रुप आ गया। अब इसके साथ एक तरफ एच भी हो सकता है, इसके साथ एक तरफ आर भी हो सकता है, इसके साथ एक तरफ ओ एच भी हो सकता है, इसके साथ एक तरफ ओ आर भी हो सकता है, इसके साथ एक तरफ एक्स भी हो सकता है, इसके साथ एक तरफ एन एच टू भी हो सकता है, ठीक है, ये सारे हो सकते हैं। अगर सी डबल बॉन्ड है कि एक तरफ अगर एच लगा हो, अगर एक तरफ H लगा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं नाउ दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एल्डिहाइड, फिर वो एल्डिहाइड कहलाएगा। और अगर R लगा है तो उसको हम लोग फिर क्या कहेंगे? कीटोन। और अगर OH लगा है तो शुरुआत में उसको हम लोग क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। OR लगा है तो शुरुआत में उसको क्या कहेंगे? एस्टर। X लगा है तो शुरुआत में उसको क्या कहेंगे? एसिड हैलाइड। और NH2 लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे अमाइड। ये सी डबल बॉन्ड के साथ कुछ भी लगता है इनमें से, ठीक है। इसी को अगर हम कंप्लीट किस तरह लिखते हैं तो ये हो गया हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इस तरह से लिख सकते हैं, या आर सी ओ एच भी लिख सकते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड्स को, कीटोन्स को किस तरह लिखा जाता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर एच लिख सकते हैं,
या आर सी ओ आर इस तरह से लिखा जा सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच इस तरह लिखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो पीछे से जोड़ते हुए चल रहे हैं ना, या फिर आर सी डबल ओ एच लिखा हो जा सकता है। कीटोन को आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर लिखा जा सकता है, ये इस तरह आर सी डबल ओ आर डायरेक्टली लिख लो। एसिड हैलाइड को आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स लिख सकते हैं या आर सी ओ एक्स लिख सकते हैं, या आर तो रेडिकल है, बाकी जो सी ओ एक्स सी डब्लू आर सी डब्लू एच इसके फंक्शनल ग्रुप चल रहे, और आर तो लॉन्ग कार्बन चेन जो यहाँ चल रही है, दिस इज आर, ठीक है। और एन एच टू आपके पास हो गया आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू इस तरह से लिखा जा सकता है, या आर सी ओ एन एच टू इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इनकी नेमिंग के लिए इनके सफिक्सेस आपको पता होने चाहिए। इसका सफिक्स क्या होता है आपका अल, ठीक है, इसका सफिक्स क्या होता है ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है ओइक एसिड, एसर का क्या होता है ओएट, एसिड हैलाइड का क्या होता है ओइल हैलाइड, और इसको तो हम लास्ट में जस्ट अमाइड लिखते हैं। ये इनके सफिक्सेस हैं एंड में जो नेम आते हैं। अगर मैं इनके नोमेनक्लेचर की बात करूँ, इन सबके कॉमन और आईयूपीएसी नेमिंग की बात करूँ, कॉमन और आईयूपीएसी नेम किस तरह से लिखे जाते हैं उसकी, तो एल्डिहाइड जो होते हैं इनका जो कॉमन नाम होता है, चलो मैं आईयूपीएसी की बात सिर्फ कर रहा हूँ, ठीक है, कॉमन की बात नहीं करता फिलहाल, आईयूपीएसी नेमिंग डिस्कस कर रहा हूँ तो आईयूपीएसी की बात करता हूँ, तो इनको आईयूपीएसी नेम हम लिख सकते हैं इस तरह से अल्कानल, अल्कानल। इनको हम क्या लिख सकते हैं अल्कानोन, इनको हम क्या लिख सकते हैं अल्कानोइक एसिड, इनको हम क्या लिख सकते हैं अल्कानोएट, इनको हम क्या लिख सकते हैं अल्कानोइल हैलाइड, इनको हम लिख देते हैं दैट इज, इसको हम इस तरह से लिखते हैं अमाइडो अल्केन, ठीक है। अब इस सब की एक एक एग्जांपल हम इसमें देख लेते हैं कंपाउंड में। मिसाल के तौर पे CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, अब चूंकि दो कार्बन वाला एल्डिहाइड है ये, तो टोटल दो कार्बन है, तो अल्कानल के लिहाज इसका क्या नाम हो गया इथानल, करेक्ट, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसी फेज पे चल रहा है। अगर हो CH3 सी डबल बॉन्ड ओ उसके बाद CH3, तो टोटल तीन कार्बन है, ठीक है, अल्कानोन के लिहाज से क्या हो जाएगा प्रोपानोन, प्रोपानोन हो जाएगा, क्यों प्रोपानोन हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर जो है वो सी डबल बॉन्ड ओ मौजूद है, कार्बोनिल मौजूद है, दोनों तरफ कार्बन है, ठीक है, इस वाले कंडीशन पर लगा हुआ है। सेकंड पर अटैचमेंट है तो उसको हम टू प्रोपानोन भी कह सकते हैं। उसके बाद अगर मैं लिखूँ CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, तो दो कार्बन वाला अल्कानोइक एसिड, उसको हम लोग क्या बोल देंगे इथानोइक एसिड, ठीक है। अब अल्कानोइड की बात करें, जैसे CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ CH3, अब इसके अंदर दो चेन चलता है, ठीक है, चूंकि एस्टर हो गया ना, एस्टर में दो चेन चलेगा, एस्टर के अंदर एक चेन ये और एक चेन ये वाले चेन को क्या बोल रहे हैं हम लोग इससे पहले तक अल्काइल, और इस चेन को क्या नाम है, इस चेन का नाम अल्कानोइड, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास मिथाइल, और टोटल कार्बन दो तो मिथाइल इथानोइड, करेक्ट। अब आ जाते हैं यहाँ CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl आ गया, अब अल्कानोइल हैलाइड, दो कार्बन है तो फिर दैट इज इथानोइल, और हैलाइड में क्या लगा हुआ है क्लोराइड, इथानोइल क्लोराइड। अब आ जाते हैं इसमें अमाइड्स की नेमिंग में, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ NH2, दो कार्बन है तो ये हो जाएगा आपका अमाइडो, और टोटल दो कार्बन है तो फिर इथेन, अमाइडो इथेन। तो ये मैंने सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स आपको यहाँ पर बताएं। अब अगर कंपाउंड में इस तरह से आ जाए, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ एच आ जाए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओ एच आ जाए, अब यहाँ पर आपको देखकर इस तरह के नोमेनक्लेचर करने के लिए आपको ये टॉपिक पता होना चाहिए। जब आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिजाइन कर देंगे, अब आपको यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन से मिल रहे हैं, एक फंक्शनल ग्रुप आपको ये मिल रहा है, एक फंक्शनल ग्रुप आपको ये मिल रहा है, और ये फंक्शनल ग्रुप मिल रहे हैं, अलग अलग है। ये आपको दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या दिख रहा है आपको कीटोन, कार्बोनिल तो सारे ही है ना, ये भी कार्बोनिल, ये भी कार्बोनिल, ये भी कार्बोनिल, ये भी कार्बोनिल, लेकिन इसके दोनों तरफ कार्बन है, ये कीटोन, दोनों तरफ कार्बन है कीटोन, इसके एक तरफ हाइड्रोजन एल्डिहाइड, इसके एक तरफ OH है, तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ठीक है। तो नेमिंग प्रायोरिटी सिर्फ इसको देंगे एंड में,
तो बाकी सब के बाकी मैंने बताया था ये कल एल्डिहाइड का जो प्रीफिक्स होता है उसको फॉर्माइल होता है, योक्सो योक्सो नंबरिंग 1, 2, 3, 4 ये हो जाएगा आपके पास 4 फॉर्माइल 2, 3 डाई ऑक्सो और उसके बाद फिर टोटल का अपन 4 ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। समझ में आई बात किस तरह से हुआ ये?